अगर किसी को सबसे पहले महत्व दिया है तो हमारे दलित पददलित समाज को महत्व दिया और उसके पश्चात उनको जब यह महसूस हुआ कि यह समाज बड़े संख्या में सरकारी महकमों में मिलों में इंडस्ट्रीज में काम करता है, मजदूर का काम करता है, तब उन्होंने 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की थी। स्थापना के वक्त उन्होंने अखबारों में एक मैनिफेस्टो दे दिया था कि किस प्रकार से मेरी पार्टी काम करेगी और उस पार्टी का लक्ष्य क्या होगा, और उन्होंने उनके उस वक्त में 14 लोग उनके जो बॉम्बे प्रोविंस में चुनकर आए थे उसके तहत जितने भी बिल मजदूरों के बारे में कर्मचारियों के बारे में जो बने हैं वो उस वक्त का काम है। आज भी देश के अंदर जबकि लेबर लॉ की बात चलती है तो सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर जी का जिक्र किया जाता है। दोस्तों अगर कामगार की बात जब आप करते तो हमको दो बातें ध्यान में आती है। एक, इस देश में जो प्रस्तावित ब्राह्मण शाही है और दूसरी भागवत शाही, जिनके वजह से कामगारों को यह जूझना पड़ता है। अनेक समस्याएं कामगारों के मजदूरों की होती है, चाहे नौकरी की बात ले, नौकरी मिली तो उसमें प्रमोशन की बात ले, कामगार कपात की बात ले, महंगाई का भी उसके साथ अगर जोड़ा गया तो ये सब बातें उसमें आती है। आजकल आउटसोर्सिंग का जमाना है और उसपे कॉन्ट्रैक्ट लेबर जिस प्रकार से लिए जाते इनमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन नहीं है। मेरे पूर्व वक्ता एडवोकेट जवान साहब बता रहे थे कि किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन की कमियां है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रिजर्वेशन की कमियां है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमारा एक व्यक्ति अगर नौकरी में लग गया तो उसका जब प्रमोशन होने का मौका आता है तो कैसे तुम्हें उनका एकाधिक केस निकाल दी जाती है और इंक्वायरी लगा दी जाती है ताकि उसका प्रमोशन ना हो, उसको रोक दिया जाता है। कई बार एक पद होता है प्रमोशन के लिए दलित समाज का प्रतिनिधि सामने आता है तो कह दिया जाता कि एक पद के लिए इनको कैसे दिया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जेएस पाटिल साहब को कि उन्होंने उनके यूनियन की पहली बार देश में दलित समाज के किसी ट्रेड यूनियन की स्थापना की होगी तो जेएस पाटिल साहब ने की है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहला अगर आंदोलन रामलीला मैदान पर आयोजित करने की हिम्मत भी अगर किसी ने दिखाई है तो वो जेएस पाटिल साहब ने दिखाई है। दोस्तों यूनियन ऐसे नहीं बनती है, यूनियन में लोगों को जोड़ा जाता है, उनको बिलों का जोड़ना कहते हैं। जब तक हम संवाद नहीं करेंगे लोग नहीं जुड़ेंगे और लोक प्रतिनिधियों से काम करना भी हमको आना चाहिए।
आज आपको ऐसा जाबाज नेता, मजदूर नेता जेएस पाटिल के रूप में आपको मिला है कि जिन्होंने महाराष्ट्र में केवल मजदूरों की, कामगारों की यूनियन नहीं बांधी, तो उन्होंने उसके लिए कई ऐसे काम किए जो काम आज वहां के कर्मचारी अधिकारियों को बताते हैं कि हमें अगर काम करना है तो जेएस पाटिल साहब के यूनियन में काम करना है। मैं 1999 में एमएलए बना, पहली बार एक दिन जेएस पाटिल साहब मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे चर्चा की और कहा कि साहब महाराष्ट्र में रिजर्वेशन का कानून नहीं है, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का कानून नहीं है, हमारे लोगों के प्रमोशन नहीं होते, हजारों की तादाद में प्रमोशन में लाइन लगी है, कानून बनाने की आवश्यकता है। मैं सन 2000 से उसके पीछे लगा, पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जमाति और ओबीसी के लिए आरक्षण का कानून बनाया। दोस्तों, उस कानून का बिल बनाते वक्त तकरीबन 83 सीटिंग्स उसकी हुई है, हर सीटिंग के बाद जेएस पाटिल साहब हमारे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहे, एक लोक प्रतिनिधि से, एक सरकार से कैसा काम करवाना पड़ता अगर किसी को सीखना है तो वो जेएस पाटिल साहब से सीखे। कानून बना 2004 में, उसको मंजूरी मिली, जब मंजूरी देने का सवाल था, जॉइंट सिलेक्ट कमिटी हमारी थी विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों की मीटिंग हुई, ऐसे ही हमारी एक मंत्री थी उस समय, उसने कुछ तो भी बात रख दी और मीटिंग टूट गई, एक ही दिन बचा था कानून पास करने के लिए, और जेएस पाटिल मेरे साथ पास आए, उन्होंने कहा कि साहब मैं ये पॉइंट्स दे रहा हूं, पॉइंट्स पे आप ओबीसी के नेताओं से चर्चा करें। मैंने ओबीसी के नेताओं से चर्चा की, उनको बताया कि आप मुझे बताइए कि आपका विरोध किस बात का है, आपको लगता यह कानून बनेगा, इस कानून का सबसे ज्यादा फायदा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मिलेगा, लेकिन सरासर यह गलत है, इसका फायदा केवल एससी एसटी के लोगों को ही नहीं मिल रहा है, यह आंकड़े मुझे बता रहे हैं कि इसका फायदा इतने बड़े पैमाने पे ओबीसी के लोगों को मिलेगा। तब वो आमदार लोग मेरे साथ आए, हमने चेयरमैन से बात की, मीटिंग फिर से बैठी और वो कानून पारित करने के लिए सर्वसम्मति बनी है। इस प्रकार का लोक प्रतिनिधि से काम करने का जरिया जेएस पाटिल साहब का रहा। भारत सरकार ने कई सालों से यह कानून बचा हुआ है, अभी तक कानून यहां बनाने एक बार कोशिश हुई लेकिन यहां के तमाम एससी एसटी के सांसद उसमें फेल हुए हैं। दोस्तों, अभी की सरकार जो है वो हमारे रिजर्वेशन के बारे में नकारात्मक रूप से काम कर रही है, चाहे कोई
भी प्रदेश लो, चाहे केंद्र सरकार हो, अपन तो नई नौकरियां नहीं निकल रही, जो नौकरी में है उनके प्रमोशन नहीं हो रहे, जो कानून बने हैं सुप्रीम कोर्ट में उल्टा सीधा एफिडेविट डीओपीडी से किया जाता, सरकार से किया जाता है, रिजर्वेशन को निरस्त करने की बात की जाती है। रिजर्वेशन का अधिकार कोई ये सरकार ने नहीं दिया है, भारतीय संविधान ने हमको वो अधिकार दिया है। इसलिए आज आवश्यकता है हम में एकता बनाने की, एक होने की, चाहे किसी की राजनीतिक पार्टी कोई भी रहे, लेकिन वो अगर अनुसूचित जाति जमाति का सदस्य है और उसका व्यक्ति अगर सांसद में प्रतिनिधित्व करता है तो यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने समाज की बात सबसे पहले करे और वो बात सरकार के सामने रखे। और इसीलिए सांसदों को समझाने के लिए सांसद के अंदर जो नेता ने काम करते उनको बात बताने के लिए आज यह देशव्यापी आंदोलन यहां पर आयोजित किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस देशव्यापी आंदोलन के जरिए जेएस पाटिल साहब ने आप सबसे मुझे मिलने का मौका दिया, आपको जय भीम कहने के लिए मौका दिया। मैं जाते जाते इतना ही कहूंगा कि आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो बातें हैं, मैं कांग्रेस पार्टी से आता हूं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा और मैं समझाऊंगा कि जो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है संसद में, उस बिल को पुनः वापस संसद में लाकर इस सरकार के मंगवाने का काम किया जाए। जब तक इस यह सरकार इस बिल को देश के अंदर लाएगी नहीं, तब तक प्रदेशों में भी हमारी बातें नहीं रखेंगी। कितनी भी कोशिश न्याय प्रक्रिया में करेंगे, इनकी नियत बिल्कुल साफ नहीं है, इनकी नियत खोटी है, इनके नियत पे हमको शक है, इनके नियत पे हमको डाउट है। इसलिए संसद यह भी एक मार्ग जो हमारे पास बचा हुआ है, उस मार्ग के जरिए निश्चित रूप से आपका, जेएस पाटिल साहब और उनके साथियों का, स्वतंत्र मजदूर यूनियन का सपना पूरा करने में मैं कंधे से कंधा लगाकर आपका साथ दूंगा, यह वचन यहां देता हूं। मुझे यहां जेएस पाटिल साहब ने निमंत्रित किया, इसलिए उनको धन्यवाद देते हुए, उनके तमाम साथियों को शुभकामना देते हुए मेरे वक्तव्य को यहां विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम।